ओके तो क्या होता अगर DDLJ में शाहरुख खान बाहें फैलाते हुए काजोल को बुला रहे होते, लेकिन वहां पे बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक होता ही नहीं, तो क्या काजोल आती? और क्या होता अगर थ्री इडियट के इस सीन में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक ही नहीं होता? देखो यार, बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के तो रॉकी भाई की एंट्री भी बड़ी बेकार होती। कहने का मतलब ये है कि फिल्म के जो गाने होते हैं, जो म्यूजिक होती है, वो हर फिल्मों के लिए एंड एक्टर्स के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यूपी वाला ठुमका लगाओ। पुराने टाइम में म्यूजिक का क्रेज किस लेवल का था, हम इसी चीज से समझ सकते हैं कि 1960s से 1990s तक बॉलीवुड में जब भी उनके फेवरेट प्लेबैक सिंगर्स के गाने रिलीज होते थे, तब पूरे देश भर में जो रिकॉर्ड स्टोर्स थे, यानी जहां पर म्यूजिक सीडीज या टेप रिकॉर्ड्स बिकते थे, वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ सिर्फ अपने फेवरेट प्लेबैक सिंगर्स के गाने खरीदने के लिए बड़ी लाइन लगाकर तैयार रहती थी। और ये भी कहने में कोई बुराई नहीं है कि उस टाइम के एक्टर्स को सुपरस्टार्स बनाने में बॉलीवुड के म्यूजिक और उनके प्लेबैक सिंगर्स का भी बहुत बड़ा हाथ था, और नो डाउट जिससे उन सुपरस्टार्स की पॉपुलैरिटी ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड होती है। तो आज हम बॉलीवुड के उन कमाल प्लेबैक सिंगर्स के बारे में जानने वाले हैं जिन्होंने हमको बॉलीवुड के कई बड़े सुपरस्टार से इंट्रोड्यूस कराया है। जैसा एग्जांपल लेते हैं शाहरुख खान की, तो शाहरुख खान ने अपने अर्ली करियर के टाइम पे 1990s में दीवाना मूवी से अपनी शुरुआत की थी। उस फिल्म में एक बहुत पॉपुलर गाना हुआ ऐसी दीवानगी, जिसके सिंगर थे विनोद राठौड़। जिन्होंने उस फिल्म में शाहरुख खान की आइडेंटिटी बनाने का रोल बखूबी निभाया था। उस गाने से और उस फिल्म से शाहरुख खान को बॉलीवुड में एक पहचान मिली, और ये गाना उस साल के फिल्म फेयर में बेस्ट लिरिक्स अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुआ था। वैसे ही फिर मूवी आती है डर, जिसमें कई कमाल के गाने थे, जैसे तू मेरे सामने और जादू तेरी नजर। इन गानों ने लिटरली शाहरुख खान को बॉलीवुड में एज अ रोमांटिक हीरो के तौर पर इंट्रोड्यूस किया था। वैसे ही बाजीगर में फिर एक गाना आया, ये काली काली आंखें। ये काली काली आंखें, अगेन ये भी उस टाइम के पॉपुलर गानों में से एक था। तो इस तरह शाहरुख खान ने कई कमाल के प्लेबैक सिंगर्स के साथ काम किया है, और वैसे ही सलमान खान को उनके एंटरटेनिंग कैरेक्टर के हिसाब से गाने मिले, अक्षय कुमार को उनके खिलाड़ी वाले अंदाज के लिए गाने मिले, गोविंदा को उनके कॉमेडी वाले अंदाज में गाने मिले। तो इस तरीके से प्लेबैक सिंगर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एक्टर को सुपरस्टार बनाने में। तो मेरे हिसाब से बॉलीवुड दुनिया की इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो ना सिर्फ कमाल की फिल्में बनाती है, बल्कि इस इंडस्ट्री में मेलोडियस म्यूजिक की भी अलग ही दुनिया है। बॉलीवुड में कमाल की मूवी और कमाल के गानों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हमेशा से रहा है। इस इंडस्ट्री में जो भी फिल्में सुपर हिट होती है, अक्सर उन फिल्मों के गाने भी बहुत सुपर हिट होते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई सुपर हिट मूवी हो लेकिन उनके गाने अच्छे नहीं है, बल्कि अक्सर ये देखा गया है कि जो फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं लेकिन उनके गाने अच्छे होते हैं तो वो सुपर हिट होते हैं। तो बॉलीवुड के म्यूजिक का एक अलग ही क्रेज होता है लोगों में। जैसे बॉलीवुड के फर्स्ट सुपरस्टार राजेश खन्ना, उनके पास जितनी कमाल की फिल्में थी उससे कहीं ज्यादा कमाल के हिट गाने थे। चला जाता हूँ किसी की धुन में। राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाने में न सिर्फ उनकी फिल्मों और एक्टिंग ने बल्कि उनके गानों ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई है। या फिर चाहे 90s के सुपरस्टार्स में से एक गोविंदा, उनके फिल्में और कॉमेडी भी बहुत कमाल की थी लेकिन उनके गाने भी उनसे कहीं ज्यादा कमाल के थे। तो बॉलीवुड के हर एरा में हमको कई कमाल के और टैलेंटेड प्लेबैक सिंगर्स देखने को मिले जिनके पास सिर्फ कमाल के गाने बनाने की एबिलिटी नहीं थी बल्कि किसी भी एक्टर को सुपरस्टार बनाने की क्षमता थी उनके अंदर। तो 1930s के टाइम से बॉलीवुड मूवीज में जो म्यूजिशियंस होते थे और जो प्लेबैक सिंगर्स होते थे, वो पेड़ों के पीछे या झाड़ियों के पीछे या किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे छुप जाते थे और बैकग्राउंड म्यूजिक देते थे या गाने गाते थे, क्योंकि उस टाइम पे इक्विपमेंट्स की कमी थी। तो इस तरीके से बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग का कल्चर शुरू हुआ था। लेकिन बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग का क्रेज 1950s के टाइम से देखने को मिला, जब बॉलीवुड में एंट्री होती है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जैसे प्लेबैक लेजेंड्स की। इस टाइम पर मोहम्मद रफी एक बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे, और इस एरा में मोहम्मद रफी ने इतने सारे हिट गाने दिए हैं जिनकी लिस्ट खत्म ही नहीं होती, और इसीलिए इस टाइम के सुपरस्टार्स को और ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करने में मोहम्मद रफी का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे दिलीप कुमार की जो एक्टिंग होती थी वो
बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होती थी, लेकिन मोहम्मद रफी के गाने उनकी एक्टिंग में और ज्यादा डेप्थ क्रिएट करते थे, जो कि उनकी ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आता था। पानी लेने के बहाने आ जाके तेरा मेरा एक रास्ता। उस टाइम के एक और लेजेंडरी एक्टर राज कपूर, और इनके लिए तो मोहम्मद रफी ने कई कमाल के गाने गाए हैं, जिससे राज कपूर लिटरली उस टाइम के बेस्ट एक्टर बन गए थे। जैसे फिल्म अवारा, श्री 420, अनारी, इन फिल्मों में मोहम्मद रफी ने कई कमाल के गाने दिए हैं। इसी टाइम पर और कई कमाल के प्लेबैक सिंगर्स बॉलीवुड में एंट्री ले चुके थे, जैसे किशोर कुमार, मुकेश या मन्ना डे। फिर जब एरा शुरू हुआ 1960s का, इस टाइम पर बॉलीवुड के सुपरस्टार्स की लिस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इस टाइम पर कई सुपरस्टार्स हमको देखने को मिले थे, चाहे वो धर्मेंद्र हो या शमी कपूर या राजेश खन्ना या मनोज कुमार या और कई सुपरस्टार्स। इस टाइम पे टॉप के प्लेबैक सिंगर्स थे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और आशा भोसले जी। तो इस टाइम के कमाल के प्लेबैक सिंगर्स ने इन बॉलीवुड के सुपरस्टार्स को कमाल की पॉपुलैरिटी दिलाई थी अपने कमाल के गानों से। ये चांद सा रोशन चेहरा, सुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें। फिर जब शुरू हुआ था 1970s का एरा, तब हमको पता चला था प्लेबैक सिंगर्स की असली पावर। इस टाइम पे लीडिंग प्लेबैक सिंगर थे किशोर कुमार। इस टाइम के कई सुपरस्टार्स को किशोर कुमार ने अपने आइकॉनिक और मेलोडियस गानों से नेक्स्ट लेवल पॉपुलैरिटी दिलाई थी, और उनमें नाम आता है राजेश खन्ना का। राजेश खन्ना और किशोर कुमार का जो कॉम्बिनेशन था, वो उस टाइम पे ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद था। राजेश खन्ना की एक्टिंग और उनके फिल्मों के गानों ने उनको बॉलीवुड का फर्स्ट सुपरस्टार बनाया था। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। फिर दूसरे सुपरस्टार का नाम आता है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन की एंट्री इस टाइम पे बॉलीवुड में हो चुकी थी, और किशोर कुमार के गानों ने अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बनने में काफी ज्यादा मदद की थी। तीसरे सुपरस्टार के नाम में आते हैं शमी कपूर। इनकी कमाल की सक्सेस में किशोर कुमार का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। शमी कपूर के गाने भी उस टाइम पे मेलोडियस माने जाते थे। फिर अब शुरू होता है 1980s का एरा। 1980s के टाइम पे कई कमाल के एक्टर्स ने बॉलीवुड में एंट्री की थी, जैसे मिथुन चक्रवर्ती, विनोद खन्ना और एक और नाम आमिर खान का। 1980s के एरा में भी लीडिंग प्लेबैक सिंगर थे किशोर कुमार, और 1980s के एरा को भी किशोर कुमार का मेलोडियस माना जाता है। इस दशक में भी किशोर कुमार ने कई कमाल के गाने दिए थे। इसके साथ ही इसी दशक में उदित नारायण ने भी एज अ प्लेबैक सिंगर बॉलीवुड में एंट्री ले ली थी, और उनके गानों ने आमिर खान को भी इस दशक में सुपरस्टार बना दिया था। जैसे कयामत से कयामत तक, इस फिल्म के कई पॉपुलर गाने उदित नारायण ने गाए थे आमिर खान के लिए, जैसे पापा कहते हैं या ए मेरे हमसफर। फिर शुरू होता है 1990s का एरा। 90s का एरा ऐसा था जिसमें हमको नए नए सुपरस्टार्स देखने को मिले, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, गोविंदा, मिथुन चक्रवर्ती और भी कई। इस टाइम पर लीडिंग प्लेबैक सिंगर्स थे उदित नारायण, कुमार सानू, अभिजीत भट्टाचार्य। इन प्लेबैक सिंगर्स ने इस टाइम के एक्टर्स को सुपरस्टार बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत की है। एग्जांपल लेते हैं शाहरुख खान की। शाहरुख खान ने जब बॉलीवुड में एंट्री ली थी, उस टाइम पर उनका जो कैरेक्टर था फिल्मों में, वो बहुत ज्यादा सिंपल था। उनकी फिल्में थी राजू बन गया जेंटलमैन और यस बॉस। ये ऐसी फिल्में थी जिनमें शाहरुख खान के कैरेक्टर को कुछ इस तरीके से दिखाया गया है कि जिसमें शाहरुख खान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और वो उसके लिए खूब मेहनत करते हैं। तो इस टाइम पर शाहरुख खान के लिए ऐसे ही गाने बने थे, जिसमें अभिजीत के गानों ने इस टाइम पर शाहरुख खान को नेक्स्ट लेवल पॉपुलैरिटी दिलाई। फिर इसके बाद शाहरुख खान का जब विलन वाला एरा स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पर उनके कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए कुछ विलन टाइप के ही सॉन्ग्स उनके लिए बनाए गए थे। फिर जब शाहरुख खान का रोमांटिक एरा शुरू हुआ, तो इस टाइम पर उदित नारायण, कुमार सानू और सोनू निगम ने उनको सुपरस्टार बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। शाहरुख खान को किंग ऑफ रोमांस का टाइटल इन्हीं प्लेबैक सिंगर्स की वजह से मिला है। जैसे शाहरुख खान और उदित नारायण के कॉम्बिनेशन को एक सक्सेसफुल कोलैबोरेशन कहा जा सकता है। कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना।
इन दोनों की जोड़ी ने बॉलीवुड को कई मेलोडियस रोमांटिक सॉन्ग्स दिए हैं। इस दशक में शाहरुख खान की जितनी भी हिट फिल्में रही हैं, उनमें ज्यादातर प्लेबैक सिंगर्स के तौर पे आपको उदित नारायण या कुमार सानू ही देखने को मिलेंगे। तो इस दशक में शाहरुख खान को सुपरस्टार इन दोनों प्लेबैक सिंगर्स ने ही बनाया था। फिर अगर बात करें हम गोविंदा की, इनको भी सुपरस्टार बनाने में अगेन एक ही प्लेबैक सिंगर का नाम आता है, उदित नारायण। उदित नारायण ने गोविंदा के साथ 100 से ज्यादा गाने दिए हैं। उस टाइम पर ऑडियंस में इन दोनों की जोड़ी का बहुत ज्यादा क्रेज था। इस दशक में गोविंदा ने बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी थी और उन सुपरहिट फिल्मों में बहुत सारे सुपरहिट गाने भी थे और जिन्होंने गोविंदा को उस समय का बिगेस्ट सुपरस्टार बनाया था। फिर अगर हम बात करते हैं सलमान खान की, तो 1990s के इस दशक में सलमान खान के साथ जो सबसे ज्यादा प्लेबैक सिंगर्स ने काम किया था उनके नाम में आते हैं बाला सुब्रमण्यम। इस दशक में सलमान खान की एक फिल्म सुपर हिट हुई थी, मैंने प्यार किया, जिसमें सभी गाने बाला सुब्रमण्यम साहब ने दिए थे और जिसके कारण सलमान खान इस दशक के सुपर स्टार्स की लिस्ट में शामिल हो गए थे। फिर सलमान खान की बाकी फिल्में जैसे हम आपके हैं कौन या हम साथ साथ हैं या कुछ कुछ होता है या और कई फिल्में, इनमें उनका कॉम्बिनेशन उदित नारायण और कुमार सानू के साथ देखने को मिला था। तो इस तरीके से इस दशक में कई लीडिंग प्लेबैक सिंगर्स थे जिन्होंने इस दशक के एक्टर्स को सुपरस्टार्स बनाने में अपना बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। बॉलीवुड के 1980s से लेकर 20s के स्टार्टिंग समय तक इसको बॉलीवुड का CDs यानी कैसेट्स वाला एरा माना जाता है। इस टाइम पे बॉलीवुड ने टेप रिकॉर्डर के बजाय CDs पब्लिकली सेल करना शुरू किए। इसमें ऑडियंस को बेटर साउंड क्वालिटी मिलती थी, ड्यूरेबिलिटी होती थी और यूज करने के लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंस होते थे। इससे उस टाइम की ऑडियंस में अपने फेवरेट प्लेबैक सिंगर्स के गानों का कलेक्शन करने का एक क्रेज जागने लगा। जैसे उस टाइम की एक फिल्म थी कुर्बानी और उसमें गाना फीचर हुआ था आप जैसा कोई। एक डिस्को सॉन्ग था जिसने इस CD कलेक्शन वाले क्रेज को लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। उस टाइम के और पॉपुलर एल्बम्स में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम आपके हैं कौन और दिल तो पागल है जैसे एल्बम्स का क्रेज लोगों में बहुत ज्यादा था। जैसे ही 20s का एरा स्टार्ट हुआ, एक ड्रास्टिकली चेंज बॉलीवुड में देखा गया। सबसे पहली बात तो इस एरा में बहुत सारे प्लेबैक सिंगर्स और कई सारे म्यूजिक कंपोजर्स डायरेक्टर्स हमको देखने को मिले, जैसे विशाल शेखर, साजिद वाजिद, हिमेश रेशमिया और बहुत सारे। इस एरा में मूवीज में म्यूजिक का इस्तेमाल उनके मेन कैरेक्टर को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। जैसे इस एरा में हमने क्रिश मूवी देखी जिसमें सोनू निगम ने हमको कई मेलोडियस गाने दिए और उसके बाद आती फिर वांटेड मूवी जिसमें सलमान खान के कैरेक्टर को जस्टिफाई करते हुए गाने बने हुए हैं। फिर आती है रावण मूवी जिसके हर गाने सुपरहिट थे और जिसमें म्यूजिक का इस्तेमाल बहुत खूबसूरत तरीके से किया गया है। फिर आई सुल्तान और दंगल मूवी, जिन मूवीज को सुपरहिट करने में अगेन म्यूजिक का बहुत बड़ा। बस्टर मूवीज हो जैसे बाहुबली या KGF 2, इसमें बड़ी ही खूबसूरती से म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया है। तो ये सारी चीजें हमको ये चीज शो करती हैं कि मूवीज और म्यूजिक इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा से रहा है बॉलीवुड के हर सुपरहिट फिल्मों के लिए। तो बस आज की वीडियो यही तक थी। अपना ओपिनियन नीचे कमेंट कीजिए।